हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे आलू की बहुत ही बढ़िया स्नैक्स की रेसिपी। अगर आपके घरों में अचानक मेहमान आ जाए और आपके पास कुछ भी ना हो सिर्फ आलू और बेसन के अलावा, तो आप इसे बना के तैयार कर सकते हैं। इसे बनाने में 5 मिनट से भी कम का समय लगता है, जो कि बनने के बाद बेहद ही टेस्टी और स्वादिष्ट बनता है। तो चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक कटोरी में हमें 4 चम्मच बेसन लेना है। अब इसमें कुछ मसाले डालेंगे। थोड़ी सी हम डालेंगे हल्दी पाउडर, थोड़ा सा हम डालेंगे भुना हुआ जीरा का पाउडर, फिर हम डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक और थोड़ी सी हम डालेंगे अजवाइन। तो अजवाइन को हम मैश करते हुए डालेंगे और पानी डाल के हम इसका घोल तैयार करेंगे। घोल ना तो ज़्यादा पतला होना चाहिए और ना ज़्यादा गाढ़ा। तो अब इसे मैंने अच्छे से घोल लिया है, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए। अब इसे हम साइड में रख देंगे। अब हमें लेना है 2 कच्चे आलू, जिसको मैंने अच्छे से छील लिया है। अब इसे हम इस तरीके से स्लाइसेस में काट लेंगे। तो मैंने दोनों आलू को अच्छे से स्लाइस कर लिया है। अब इस आलू को हमें बेसन में अच्छे से लपेट लेना है और इसे हमें तलना है। तो इस तरीके से हमें अच्छे से आलू में कोट कर देना है और गरम तेल में इसे हम तल लेंगे। तेल भी गरम हो चुका है, गैस का फ्लेम हमें हाई रखना है, क्योंकि आलू को पकने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि पतले पतले स्लाइसेस हैं। एक एक करके हम डालते जाएंगे और इसे उलटते पलटते हुए हमें फ्राई कर लेना है। जब ये एक तरफ से पक जाए तो हम इसे पलट देंगे दूसरी तरफ पकने के लिए। इसी तरीके से हमें अपने ये स्नैक्स को बना के रेडी कर लेना है। तो अब ये एक तरफ से पक चुका है, अब हम पलट देंगे दूसरी तरफ पकने के लिए। इसी तरीके से हम सभी आलू को बना के तैयार करेंगे। है ना बहुत आसान और बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है। अब ये दोनों तरफ से अच्छे से पक चुका है, अब इसे हम बाहर निकाल लेंगे। इसी तरीके से सभी आलू को हमें फ्राई कर लेना है। तो आप इसे किसी भी चटनी या फिर सॉस के साथ खा सकते हैं, बेहद ही स्वादिष्ट लगता है। तो आप लोगों को ये रेसिपी कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं और एक नई वीडियो में और एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।